कब्रस्तान से बोसीदा हड्डियों को निकालकर मस्जिद तामीर करना कैसा और उसमें नमाज पढ़ना जायज है? नहीं, देखो एक है कब्रस्तान गैर मुस्लिमों का, मुशरिकीन का, हाँ वहां से पूरी कब्रें उखाड़ करके पूरी हड्डियां वड्डियां निकाल करके मैदान को साफ करके ले जाया जा सकता है और वहां मस्जिद बनाई जा सकती है। मस्जिद नबवी उसी पर बनी है, मालूम है आपको? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी जहां बैठी थी ना, वहां पूरे एरिया के अंदर मुशरिकीन की कब्रें वगैरह थी। जब मस्जिद बनाना हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि मुशरिकीन की ये कब्रें उखाड़ दी जाएं और बाकायदा अच्छी तरह खोद खाद करके मिट्टी निकाल करके उसे दूसरी जगह फेंक दिया गया, ले जाकर के दफन कर दिया गया। तो अगर वहां मुशरिकीन की कब्रें हों तो वहां साफ सफाई करके खोद खाद करके उस जमीन को जो है लेवल करके वहां मस्जिद बनाई जा सकती है। लेकिन अगर मुस्लिमीन की कब्रें हैं तो किसी तरीके से उनका उखाड़ना जायज नहीं। इस सिलसिले में अल्लामा अल्बानी की किताब जो है अहकामुल जनाइज का मुताला करें, तफसील आपको मिल जाएगी। खुलासा यही है कि मुसलमानों की कब्रों को उखाड़ करके किसी दूसरी जगह मुंतकिल नहीं किया जा सकता।